एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है व्लॉग नंबर 2। जैसा कि पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखते हुए मैंने सेकंड वीडियो अपलोड करने की सोच लिया है। तो चलिए, मैं आपको आज मेरी पूरी दिनचर्या बताने वाली हूँ। तो सुबह उठते ही नहा धो के एकदम रेडी होकर हम पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी। ये है गवर्नमेंट लाइब्रेरी, हमारे एरिया की ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई भीड़ वीड़ रहती नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि यह लाइब्रेरी जाकर देखते हैं एक बार। तो मैं भी यहाँ पर 2 या 3 से ज़्यादा बार नहीं आई हूँ। तो ये देखिए, सुबह सुबह भी 8 बज रहे हैं घड़ी में, बट तो भी कोई भी नहीं आया अभी तक। ये देखिए कितनी शांत वातावरण वाली लाइब्रेरी है, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मैं मतलब पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है, और कोई मतलब अगर कोई होता है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा है कि मोबाइल से शूट वगैरह फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, और ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी, इसलिए रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, लाइट भी बंद है यहाँ की। हाँ, चल जाती है थोड़ी देर में, रख लेते हैं उसके बाद। ना, मेरा बैग रख लिया है ना, कॉपी बुक निकाल लेते हैं फटाफट। अभी तो लाइब्रेरी में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ना वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, और डायरेक्ट ऑडियो है ये। चलिए, सबसे पहले सारा सेटअप लगा लेती हूँ मैं, फिर आपसे बात करती हूँ। तो हमने अपना सेटअप लगा लिया पूरा। आज मैं सबसे पहले ICT वगैरह कंप्लीट करने वाली हूँ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। और ये रही मेरी रफ एंड दिस इज़ माय बुक। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अभी लाइब्रेरी में आने वाले हैं थोड़े बहुत जने, सो अभी के लिए बस इतना। अब पढ़ते पढ़ते कुछ छुटपुट भूख लगने लग गई, तो फिर मैंने बेक समोसा खा लिया, आलू की स्टफिंग। बेक समोसा इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने एक सेशन अटेंड कर लिया, ज़्यादा नहीं था, बस 45 मिनट, यानी कि मतलब 1 घंटा हो ही जाता है वो पॉज कर करके नोट्स बनाकर। और आज का पढ़ाई का सेशन तो बस अभी यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद मैंने खाना खा लिया, खाने में था दाल रोटी, आंवला सब्जी और मूली। सैलेड में कुछ ना कुछ तो लेना ही है, उससे मतलब अपनी डाइट पूरी कंप्लीट रहती है। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अपनी डाइट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, और पूरा मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, जैसे कि दाल में प्रोटीन होता ही है, आंवला में विटामिन वगैरह, और सैलेड तो बहुत सही है अपने हेल्थ के लिए। तो साथ साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जो स्वीट क्रेविंग होती है उसका भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद मैंने पेस्ट्री खा ली थी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।